गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज मैं चैप्टर 5 को डील करूंगा क्लास 12 बायोलॉजी का, जिसका हेडिंग है, इस चैप्टर का नाम बोल सकते हो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहले मैं इस चैप्टर में उन टर्म्स या टर्मिनोलॉजी का यूज करूंगा या डील करूंगा आपके साथ विच आर मोस्ट कॉमनली यूज इन दिस चैप्टर। तो हम शुरू करते हैं क्लास। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इसका है व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ deals with the study of heredity and variation. अब यहां पे है कि जेनेटिक्स बायोलॉजी का वो ब्रांच है जो स्टडी करता है किसके बारे में? हेरिडिटी के बारे में और वेरिएशन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ये हो गया हेरिडिटी का डेफिनेशन। अब यहां पे थर्ड टर्म आएगा जो कि चैप्टर से कंसर्न है, व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को सिंपली डिफाइन किया गया है, इट इज द प्रोसेस बाय विच द जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर इज ट्रांसफर्ड। Transferred from the parents to the offspring. Yeah, it is the process by which the genetically based character is transferred from the genetically based character is transferred from the parents या transferred from simply लिख सकते हैं from the one generation to another। यानी इनहेरिटेंस का डेफिनेशन क्या हुआ? ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके द्वारा जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जेनरेशन टू अनदर। हेरिडिटी सिर्फ ये बताता है कि जेनेटिक ट्रांसमिशन हो रहा है। किसका ट्रांसमिशन हो रहा है? जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर का फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और जो ये बता रहा है कि किस प्रोसेस के द्वारा ये जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर का ट्रांसफर पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में हो रहा है, या हम बोल रहे हैं वन जनरेशन टू अनदर हो रहा है, ठीक है, जहां पे प्रोसेस से डील कर रहे हैं इनहेरिटेंस, जहां पे सिंपली बता रहे हैं कि जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज हेरिडिटी, ठीक है। अब आप फोर्थ में वेरिएशन। वेरिएशन क्या है?
ठीक है, वेरिएशन हो गया द डिफरेंस इन ट्रेट। ट्रेट का मतलब क्या है? कैरेक्टर। द डिफरेंस इन ट्रेट ऑफ एन इंडिविजुअल, द डिफरेंस इन ट्रेट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ अ प्रोजेनी, द डिफरेंस इन कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ अ प्रोजेनी, ठीक है, फ्रॉम अ प्रोजेनी एमंग इट्स ग्रुप, अपने ग्रुप में जितने भी प्रोजेनी है वो सब, उसमें सभी इंडिविजुअल का कैरेक्टर दूसरे इंडिविजुअल से कुछ परसेंटेज में डिफरेंट है। इवन एंड ऑल्सो फ्रॉम, एंड ऑल्सो फ्रॉम देयर पेरेंट्स, साथ ही साथ वो पेरेंट्स से भी वो कैरेक्टर अलग है, तो वैसे कैरेक्टर को कहा जाता है वेरिएशन। ठीक है, तो वेरिएशन क्या है? द डिफरेंस इन ट्रेट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ अ प्रोजेनी फ्रॉम वन अनदर, या लिख सकते हैं अमंग इट्स ग्रुप, प्रोजेनी के ग्रुप में, एंड ऑल्सो फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड वेरिएशन। इंडिविजुअल ऑफ अ प्रोजेनी, ठीक है, ये हो गया वेरिएशन का डेफिनेशन। अब वेरिएशन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जीन। ठीक है, व्हाट इज जीन, व्हाट इज जीन, तो जीन हम लोग 9-10 में तो कॉमनली पढ़े हैं कि द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जीन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जीन। ठीक है, तो जीन क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, विच इज कैरीड, विच इज कैरीड फ्रॉम द पेरेंट्स, जो पेरेंट्स से कैरीड होता है, विच इज कैरीड फ्रॉम द पेरेंट्स बाय अ गैमेट्स, कैरीड फ्रॉम द पेरेंट्स बाय अ गैमेट इन अ क्रोमोसोम। किसमें कैरीड होता है? क्रोमोसोम में कैरीड होता है। ठीक है, इन अ क्रोमोसोम एंड कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट, एंड कंट्रोल द, एंड कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट, ट्रेट मतलब कैरेक्टर, इन अ यंग वन, एंड कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट इन अ यंग वन। यानी जीन क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। किससे कैरी होता है? फ्रॉम द पेरेंट्स। किसमें कैरी होता है? बाय अ गैमेट। गैमेट में किसमें पाया जाता है? इन अ क्रोमोसोम। और इसका मेन काम क्या है? कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट, किसमें? यंग वन में, जो प्रोजेनी जन्म देगा। कैसे ये कंट्रोल करता है? बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसमें एक आएगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्रॉस। तो व्हाट इज क्रॉस? नेक्स्ट है व्हाट इज क्रॉस, द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल कॉम्बिनेशन, द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ एनी स्पीसीज, SPECIES, एनी स्पीसीज इज कॉल्ड क्रॉस।
समझ आया क्रॉस क्या है? क्रॉस जो है एक प्रोसेस है सेक्सुअल कॉम्बिनेशन का, किसके बीच? मेल एंड फीमेल किसी भी स्पीसीज का, उसको हम बोलते हैं क्रॉस। अब एक बहुत कॉमन टर्म आएगा इसमें, व्हाट इज हाइब्रिड? हम लोग पढ़ेंगे F1 हाइब्रिड, F2 हाइब्रिड। तो व्हाट इज हाइब्रिड? हाइब्रिड बोला गया द हेट्रोजिगस, द हेट्रो जेनस ऑर्गेनिज्म, द हेट्रोजेनस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स। द हेट्रोजेनस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स आर कॉल्ड हाइब्रिड, आर कॉल्ड हाइब्रिड। बहुत ही ईजी है। तो हाइब्रिड क्या है? जब दो जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल है जिसको हम पेरेंट्स बोलते हैं, उनके बीच में क्रॉस होता है और उससे जो यंग वन प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। ठीक है, और ऐसे हाइब्रिड को हम हेट्रोजेनस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं बिकॉज इट कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू डिससिमिलर जीन। एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ जीन एंड व्हेन दिस पेयर ऑफ जीन इज डिससिमिलर इट इज कॉल्ड हेट्रोजेनस ऑर्गेनिज्म या हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म भी हम बोल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हाइब्रिड का। अब इसमें एक टर्म आता है, व्हाट इज हेट्रोसिस और हाइब्रिड वाइगर। जब ये हाइब्रिड जो प्रोड्यूस हुआ इट इज सुपीरियर इन वन और मोर कैरेक्टर देन बोथ द पेरेंट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिड और हाइब्रिड वाइगर, VIGOUR। समझ आया? तो हाइब्रिड वाइगर किसको बोलेंगे? हेट्रोसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो हाइब्रिड प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? जब क्रॉस हो रहा है। किसके बीच में क्रॉस हो रहा है? टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स और इंडिविजुअल। और ये हाइब्रिड जो है ये सुपीरियर है कैरेक्टर में अपने दोनों पेरेंट्स से, एटलीस्ट इन वन कैरेक्टर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिड वाइगर और हेट्रोसिस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्या? एलील और एलिलोमॉर्फ। ठीक है, एलील, ALLEL, एलील और एलिलोमॉर्फ। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं, एलील और एलिलोमॉर्फ। व्हाट इज एलील? अ पेयर ऑफ जीन कंट्रोलिंग द टू अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द सेम कैरेक्टर। ठीक है, क्या लिखेंगे? अ पेयर ऑफ जीन, अ पेयर ऑफ जीन कंट्रोलिंग द टू अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द सेम कैरेक्टर। ठीक है, एक पेयर ऑफ जीन है जिसमें टू अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन है सेम कैरेक्टर का, फाउंड इन सेम लोकाई हो या लोकस हो, इसका मतलब होता है पोजीशन, सेम लोकाई ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, पेयर, सेम लोकस ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर, या होमोलोगस क्रोमोसोम भी हो सकता है।
ठीक है, तो ये हो गया एलील या एलिलोमॉर्फ। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा, देखो यहां पर क्या लिखें कि पेयर ऑफ जीन है, कंट्रोल क्या करता है टू अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन, किसका टू अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन, सेम कैरेक्टर, और ये कहां पाया जा रहा है, सेम लोकस में, ठीक है। तो अब यहां पे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज जीन लोकाई, जीन लोकाई या टर्म होगा जीन लोकस, लोकस का मतलब पोजीशन, अ स्पेसिफिक रीजन और पर्टिकुलर साइट ऑफ अ क्रोमोसोम, अ स्पेसिफिक रीजन और पर्टिकुलर साइट ऑफ अ क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल जीन इज कॉल्ड अ जीन लोकस और जीन पोजीशन। अ पर्टिकुलर रीजन और साइट रिप्रेजेंटिंग रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, पर्टिकुलर साइन, पर्टिकुलर रीजन या स्पेसिफिक रीजन बोल सकते हैं या स्पेसिफिक साइट रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, रीजन और साइट रिप्रेजेंटिंग नहीं, ऑफ अ क्रोमोसोम लिखो बेटर है, ऑफ अ क्रोमोसोम। अब लिखो रिप्रेजेंटिंग क्या, रिप्रेजेंटिंग अ जीन और एलील, रिप्रेजेंटिंग अ जीन और एलील इज कॉल्ड जीन लोकाई और लोकस, ठीक है। तो किसी भी क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर रीजन या साइट जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक जीन को या एलील को, उसको जीन लोकाई या लोकस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लोकस, लोकस मींस पोजीशन। अब यहां पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या है, ठीक है, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म। होमोजाइगस को क्या कहा जाता है, इट इज एन ऑर्गेनिज्म विच पोजेस टू आइडेंटिकल जीन, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पोजेस करता है दो आइडेंटिकल जीन को, टू आइडेंटिकल जीन रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, यानी दो सिमिलर जीन रिप्रेजेंट कर रहा है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को, देन द ऑर्गेनिज्म इज होमोजाइगस। होमोजाइगस, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म is an individual where a particular character is represented by, where a particular character is represented by टू आइडेंटिकल जीन, वेयर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय टू आइडेंटिकल जीन, आइडेंटिकल जीन मींस सिमिलर जीन, जैसे एग्जांपल अगर टॉल है तो उसको रिप्रेजेंट करेगा डबल कैपिटल टी, ना कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, उसी तरह से जो स्मॉल ड्वार्फ होगा, है ना, द्वार को रिप्रेजेंट करेगा डबल स्मॉल टी, जबकि हेट्रो जाइगस ऑर्गेनिज्म
is an individual where a particular character is represented by two dissimilar gene. जहां पे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, टू डिसिमिलर जीन. एग्जांपल, अगर हम टॉल को लिखते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये दोनों जीन एक दूसरे से अलग है और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये हो गया होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस. ओके, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील. सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डोमिनेंट एलील. नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डोमिनेंट एलील. ठीक है, इसको हम थोड़ा तोड़ के पढ़ा रहे हैं. द एलील विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. The allele which is able to express itself in the presence of another contrasting allele, जो allele अपने आप को express कर रहा है, even if कि एक contrasting allele उसके साथ मौजूद है, is called डोमिनेंट एलील. इसको क्या कहा जाता है, डोमिनेंट एलील. डोमिनेंट एलील का खूबी क्या होता है, डोमिनेंट एलील का सबसे बड़ा जो क्वालिटी वो ये है कि इट इज एक्सप्रेसिव इन ऑल जेनरेशन एंड कोड्स फॉर कंप्लीट फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड. किसके लिए कोड करता है, कंप्लीट फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड एंड एक्सप्रेस इट फुली. इट इज एक्सप्रेसिव इन ऑल जेनरेशन, ये सभी जेनरेशन में एक्सप्रेसिव है. एंड कोर्स फॉर कंप्लीट फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड. कोड किसके लिए करता है, कंप्लीट फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड दैट एक्सप्रेस इट्स फुली, दैट एक्सप्रेस इट फुली. सबसे पहले जो एलील, दो एलील है कंट्रास्टिंग, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, उसमें से कैपिटल टी एक्सप्रेस किया कंट्रास्टिंग एलील स्मॉल टी के प्रेजेंस में ही, इसलिए उस एलील को डोमिनेंट एलील कहा गया. अब इसका कैरेक्टर क्या है, इट इज एक्सप्रेसिव इन ऑल जनरेशन, सभी जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, सभी जनरेशन में ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है. प्लस ये कोड करता है फॉर कंप्लीट फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड और साथ ही साथ ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है फुली यानी कंप्लीटली. ठीक है, उसी तरह से आप डोमिनेंट के बाद रेसेसिव एलील, रेसेसिव एलील. रेसेसिव एलील का क्या होगा, द एलील विच इज अनेबल टू, विच इज अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, विच इज अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. ठीक है, अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ in the presence of another
contrasting एलील इज कॉल्ड, जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर कॉन्ट्रास्टिंग एलील, उसको बोलते हैं रेसेसिव एलील, ठीक है। और इट डज नॉट एक्सप्रेस, ठीक है, इट डज नॉट एक्सप्रेस इन ऑल जनरेशन, ये सभी जनरेशन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। एंड कोड्स फॉर, इसके लिए कोड करता है इनकम्प्लीट, कोड्स फॉर इनकम्प्लीट नॉन फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड, एंड कोड्स फॉर इनकम्प्लीट नॉन फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, ये हो गया रेसेसिव एलील। तो देखो, डोमिनेंट एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर कॉन्ट्रास्टिंग एलील, इसको डोमिनेंट एलील कहते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, मेंडल ने कहा था कि इंग्लिश में जो हम कैपिटल अल्फाबेट को यूज करेंगे दैट इज डोमिनेंट, और जो स्मॉल लेटर को यूज करेंगे इंग्लिश अल्फाबेट का दैट इज रेसेसिव। तो डोमिनेंट उसको कहा जाता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, और रेसेसिव उसको कहा जाता है जो अकेले अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। एक रेसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस तभी कर पाएगा जब वो पेयर में रहेगा, ठीक है। तो यहां पे टी ये हो गया प्लांट टॉल, क्यों, क्योंकि टी इज एक्सप्रेसिव जबकि स्मॉल टी है ड्वार्फ का, ठीक है। तो क्या हुआ, ये टी हो गया डोमिनेंट एलील विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर कॉन्ट्रास्टिंग एलील, जबकि टी अनएक्सप्रेसिव है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एलील, तो ये हो गया रेसेसिव एलील, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।